या डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो पहले ही हम आपका हाथ जोड़ लेते हैं, और ये हाथ हम जोड़ रहे हैं किस लिए, सिर्फ आपके लिए। ये वीडियो अगर आप नहीं देखते हो और कल के डेट में आपके अकाउंट से अगर 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 25 लाख अगर आपका चोरी हो जाता है, निकाल लिया जाता है, तो हमको दोष मत दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट टाइप का फ्रॉड हो रहा है, और मैं अवेयरनेस आपको देना चाह रहा हूँ। इसके बारे में समझ जाइए और अपना पूरा खानदान, फैमिली, दोस्त, यार, भाई, बहन सबको बता दीजिए कि ऐसा हो रहा है। काहे कि अगर आपके परिवार के साथ ऐसा कुछ हो गया तो रोते रोते आपका हालत ख़राब हो जाएगा। डिजिटल अरेस्ट के बारे में समझिए, हो क्या रहा है आजकल। पूरा दुनिया जो है डिजिटल हो गया है, लेकिन डिजिटल होने के चलते इसका बहुत बहुत नुकसान भी हो रहा है। फायदा हो रहा है, लेकिन साथ साथ नुकसान भी हो रहा है। बहुत सारे फ्रॉड लोग जो है डिजिटल दुनिया का फ़ायदा उठाकर आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब हम मुद्दा पर आते हैं, डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। अब एक लेडीज जिनके साथ ये घटना घटा है, उन्हीं के एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। एक लेडीज को फ़ोन आता है, ठीक है? और वो फ़ोन पर उनको बोला जाता है कि आपका नाम से जो है एक जो है मोबाइल नंबर जो है जारी हो चुका है, ठीक है? आप ही के नाम से लेडीज को बताया जाता है फ़ोन पर कि आपके ना आप ही के नाम पर मुंबई में एक मोबाइल नंबर जारी हो गया है। उस मोबाइल नंबर से बहुत लोगों को गाली गलौज किया गया है, गंदे गंदे वीडियो भेजे गए हैं, आप पर जो है केस हो गया है, आप पर जो है कोर्ट मतलब कि पुलिस में केस हो गया है, ठीक है? और फिर जो है आप मुसीबत में, अभी तुरंत आपको जो है ना मुंबई में थाना में जाके रिपोर्ट करना होगा। वो मुंबई में औरत रहती नहीं है, वो तो भाई लेडीज रहती हैं किसी दूसरे सिटी में, दिल्ली में रहती हैं, वो मुंबई में कैसे 2 घंटा में रिपोर्ट करेंगी? वो बेचारी घबरा जाती हैं। उसके बाद जो है तुरंत जो है उसके बाद क्या करता है कि बोलता है कि आप जो है वीडियो कॉल पर आ जाइए, और हम जो आपसे बात करने वाले हैं ये किसी को नहीं बताइएगा। अगर आप किसी को भी बताइएगा ये सब बात, तो उसको भी हम अरेस्ट कर लेंगे, उसको भी पुलिस अरेस्ट कर लेगी। और ये जो फ़ोन करता है खुद को मुंबई का जो है ना बहुत बड़ा पुलिस का ऑफिसर बताता है, ठीक है ना? और ये केवल, और ऐसे में खाली पुलिस ही नहीं, कभी कभी वो लोग अपने आप को CBI बताएंगे, कभी कभी ED के अधिकारी बताएंगे, कभी कभी टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट उसके बड़े अधिकारी बताएंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऐसे ही होता है कि आपके नंबर से एक मोबाइल नंबर जारी हुआ है, आप पर बहुत सारा केस हुआ है क्योंकि आपके मोबाइल से गंदे गंदे गाली दिए गए हैं, बहुत से गंदे गंदे वीडियो भेजे गए हैं। तो अब लेडी डर जाती है, उनको फिर डरा धमका के बोला जाता है आपके घर में कोई है नहीं ना, अभी कोई दाई लौड़ी कोई तो नहीं है? तो बोलती है लेडी कि नहीं है, तो आप वीडियो कॉल पर आइए। उसको वीडियो कॉल पर लेडी को ले लिया जाता है और बोला जाता है कि आप बिल्कुल वीडियो कॉल पर रहिएगा, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे आपको करना है। आप अपने परिवार में किसी से भी इस सब बात चर्चा नहीं कीजिएगा, हमारे साथ एक रूम में, अंधेरे रूम में आइए, ठीक है? और वीडियो कॉल में रहिए, मैं आपके अगल बगल दिखाइए, कैमरा से कोई आगे पीछे तो नहीं है, अगर होगा तो उसको भी हम लोग अरेस्ट कर लेंगे, और फिर जो है वो भी जेल चल जाएगा। आपका बाल बच्चा, पति, बेटी, किसी को भी आपको ये घटना के बारे में नहीं बताना है। अगर आपको बचना है तो जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वो आपको करना है, इस तरह से उनको वो बताया जाता है, ठीक है? अब बेचारी लेडी है, वो तो घबराई हुई है, अब ये ऐसा दुविधा में है कि वो जो है कुछ कर फोन भी नहीं कर सकती है, ठीक है? अब देखिए होता क्या है कि वीडियो कॉल पर लेके वो पूछता है कि भाई आधार नंबर आपका क्या है। अब लेडीज तो घबराई हुई है, आधार नंबर बता देती है। आधार नंबर से फिर वो बोलता है कि आपका आधार नंबर, ठीक है, से हमने चेक किया है, आप पर तो और भी बहुत सारा पुलिस केस है, ठीक है ना? और आप पर जो है बहुत सारा केस लगा हुआ है, आप पर लगभग 17, 18, 20 केस लगा हुआ, इस तरह से बोलता है डराने के लिए। अब लेडी डरी हुई है, किसी से अपने परिवार में, फैमिली में वो बोल नहीं सकती है क्योंकि उनको घबराहट है कि अगर हम अपने बेटी से कहेंगे, अपने बेटा से कहेंगे, अपने पति से कहेंगे तो पुलिस उसको भी अरेस्ट कर लेगी। तो घबराई हुई है, समझ लीजिए कि वो लेडीज बिल्कुल डिजिटल अरेस्ट हो गई है। वीडियो कॉल पर उसको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसा ही कर रही है, घबराई हुई है, और बिल्कुल वीडियो कॉल पर रहना है। उसके बाद धीरे धीरे जो ये फ्रॉड आदमी होता है वो अपने आप को कभी बोलेगा CBI इंस्पेक्टर है, तो कभी बोलेगा हम इनकम टैक्स के हैं, कभी बोलेगा कि हम बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनका। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो लोग बोलेगा कि आप जो है अभी आपके अकाउंट में कितना पैसा है,
तो लेडी बताती है, भाई हमारे अकाउंट में जितना भी पैसा है, मान लीजिए कि आपके अकाउंट 50 लाख रुपया है, तो वो बोलेगा कि अभी आप काम कीजिए, आप बैंक जाइए, जो भी आपके अकाउंट में पैसा है, जो भी FD है, सबको तोड़ दीजिए, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट हो चाहे पैसा, हम आपको अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें पैसा, सारा पैसा ट्रांसफर करिए, क्योंकि आप पर जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस चल रहा है, आपका जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस लगा हुआ है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा वैसे कीजिए, नहीं तो आप भी नहीं बचेगा, आपके फैमिली मेम्बर भी नहीं बचेंगे। इस तरह से वो आपको पूरा घबराया जाता है, समझ लीजिए कि आपको आपके ऊपर वो पूरा काबू कर लिया है, और वो जो बोलता है आपको वही करना है, क्योंकि आप घबराए हुए हैं, और घबराया हुआ दिमाग जो होता है ना, उस दिमाग से आप कोई भी अच्छा निर्णय, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। सामने वाला वीडियो कॉल पर आपको देख रहा है लगातार, 10 घंटा, 12 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से लगातार जो है आपके साथ वो एकदम कर रहा है, आपका पूरा एकदम जितना भी आपका पैसा है, सोना चांदी सब आपका बिचवा देगा वो, क्योंकि आप पड़ गए हैं लफड़ा में, आप अपने फैमिली से मदद नहीं ले पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो किसी से, डर के मारे कि भाई उसको भी अरेस्ट कर लेगा, वही चक्कर में पड़ जाएगा, सारा पैसा जो है आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है ना, 12 घंटा, 14 घंटा, 10 घंटा, जितना भी आप उनके काबू में रहे, उसी को एक तरह से कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। हालांकि कानून में इस तरह का कोई शब्द नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट किसी को किया जा सकता है, अरेस्ट होता है लोग, अगर कोई गलत काम करे तो पुलिस उसको ले जाएगी, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है। तो इस तरह से जो लेडीज हैं उनके साथ लगभग 83 लाख रुपया वो निकाल लिया, ठीक है ना, और ये एक घटना नहीं है, इसके अलावा और भी देश के शहर में, बहुत सारे शहर में इस तरह की घटना हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह का फ्रॉड होता है, वो एकदम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपके सामने एक पूरा पुलिस पहने हुए कपड़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि भाई ये पुलिस है, CBI आ जाएगा बैठा हुआ, तो मुझे उसी की तरह का पीछे का माहौल भी, बैकग्राउंड भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल थाना में बैठा हुआ है, और CBI ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो इस तरह का बैकग्राउंड क्रिएट करके आपको दिखाया जाता है आपको डराने के लिए। तो इससे बचने का तरीका ये है कि कभी भी इस तरह का अगर कॉल आवे तो सबसे पहले तो आप वीडियो कॉल पर कभी आइए ही नहीं, ठीक है ना, आपको इस तरह का फोन आवे तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी थाना में, पुलिस स्टेशन में जाइए और इसे बताइए, ठीक है ना, अपने फैमिली मेम्बर से मिलिए, आप अगर इनसे ज़्यादा देर बात करोगे तो फिर जो है दिमागी वैसा बना हुआ है फितरत की, भाई अगर आप कोई आपको बहुत ज़्यादा डराएगा तो आप डर के फिर उनके काबू में आ जाते हो, तो उनके काबू में आने से अच्छा है कि फटाक से ना फ़ोन काटिए, ठीक है ना, और फिर उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बगल के थाना में जाइए, कंप्लेन कीजिए, वीडियो कॉलिंग पर तो आना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं आना है। अगर मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने कोई गलती नहीं किया है तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, अगर आपने कोई गलती नहीं किया, डरने की क्या जरूरत है, अगर किसी अगर कोई गलती किया भी है, मान लीजिए कुछ किया भी है, तो पुलिस आएगी आपके घर पर, आपको ले जाएगी, इसके लिए आपको इतना छटपटाने की क्या ज़रूरत है भाई, उस आप अपना अकाउंट से जो है 50 लाख, 1 करोड़ आप ट्रांसफ़र किए जा रहे हो, ये कोई बचने का तरीका है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, जो दुनिया में है वो तो हो के ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन ये जो फ्रॉड है डिजिटल अरेस्ट का नाम पर, इससे आपको बचना है। कभी भी इस तरह का कोई फ़ोन आवे तो बिल्कुल इंटरटेन मत कीजिए, बात बिल्कुल मत कीजिए इस तरह का, अपने फैमिली मेम्बर जो भी आपके हैं सबसे बताइए, बेटा बेटी, पति, दादा दादी, सबको बताइए, और जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके इसका रिपोर्ट कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, नहीं तो भाई इसके चक्कर में पड़िएगा तो बिल्कुल रोड़ों के आँख एकदम आपका ललिया जाएगा, और फिर आप बर्बाद हो जाओगे, सारा अकाउंट आपका, FD, म्यूचुअल फंड सब खा जाएगा वो, सोने यहाँ तक कि सोना चांदी सब बेचवा देगा आपका, 12 घंटा तक वीडियो कॉलिंग पर रहा है, 3 3 दिन तक आपको लेकर रहा है इस तरह का फ्रॉड, और फिर जो है आपका पूरा आपको बस में कर लेता है, ठीक है, आपसे ऐसे ऐसे बात करेगा कि आप उसके बस में आ जाइएगा, एकदम सम्मोहित सम्मोहित कर लेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बात करेगा, आप वो कुछ कर नहीं सकते हो, किसी से बता नहीं सकते हो कुछ भी, तो प्लीज प्लीज इस तरह के चक्कर में ना पड़ें, फ़ोन पर बिल्कुल ना बात करें, वीडियो कॉल पर बिल्कुल बात ना करें, और जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा इसके चक्कर में आप फंसते चले जाओगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भाई नहीं हम तो बात करेंगे और देखते हैं क्या होता है, हम तो बहुत शेर हैं, राजा हैं, हमको कुछ फ्रॉड नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप बात करोगे ज़्यादा तो इस तरह का ये लोग बातें करेंगे ना कि आप इनके चक्कर में फंस जाओगे और फ्रॉड के चक्कर में शिकार हो जाओगे, बात नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल, और बिल्कुल फ़ोन काट देना है। इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, हम
लोग खातिर वीडियो बना दे, टेंशन ना लेगा। जय हिंद।